अच्छा, तुम्हारी वो कंस्ट्रक्शन कहाँ तक पहुँची? अल्हम्दुलिल्लाह, सब ठीक चल रहा है। यार एक मशवरा तो दो। हाँ, कंस्ट्रक्शन के लिए सरिया कौन सा खरीदूं? मॉडल स्टील का सरिया ही खरीदो। इसमें क्या खास बात है? मॉडल स्टील का सरिया जदीद तरीन क्वालिटी एश्योरेंस लैब से पास होता है, जहाँ पर इसकी मजबूती और मयार को परखा जाता है और यूँ हमें बेहतरीन क्वालिटी दी जाती है। सिर्फ दावा नहीं किया जाता। अरे यार, मैं तो समझा कि तेरा ये दिमाग सिर्फ शतरंज में ही चलता है। मॉडल स्टील, मॉडल ऑफ स्ट्रेंथ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शाहिद मियां। प्रोग्राम ख्वाबों से तबीर तक के इस सफ़र में मेड इन पाकिस्तान और बिलीव इन पाकिस्तान के कॉन्सेप्ट के साथ एशियन लाइफस्टाइल मैगज़ीन के प्लेटफॉर्म से व्यूअर्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हम हमेशा ही आपके साथ उन लोगों का तारुफ करवाते हैं, उन लोगों की सक्सेस स्टोरी शेयर करते हैं जिन्होंने ना सिर्फ अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए बहुत नाम नेशनली एंड इंटरनेशनली बहुत काम भी किया है, नाम भी पैदा किया है। आज ये सफ़र जारी है। आज मेरी खुशकिस्मती है, मेरे साथ एक बहुत ही डायनामिक किस्म की पर्सनैलिटी मौजूद है जिनकी शख्सियत के बहुत सारे पहलू हैं। उन्होंने पाकिस्तान के सॉफ्ट इमेज के लिए स्पेशली बहुत सारी खिदमत सर अंजाम दी है। मुझे याद पड़ता है आज से कोई 10 से 12 साल पहले जब मैंने उनको फ़र्स्ट टाइम देखा था, तो अगर और आज मैं जब उनका इंटरव्यू करने जा रहा हूँ तो आज भी वो वैसे के वैसे ही है। सबसे बड़ी बात, वो बहुत अच्छे दोस्त भी हैं और बड़े स्मार्ट पर्सनैलिटी है उसकी। बड़ा सॉफ्ट, यानी कि वो एक काम करते हैं और बहुत कुछ किया है उन्होंने, ठीक है। और वो क्या क्या है अगर मुख्तसर सा मैं तारीफ़ कराऊँ, वो एक आर्किटेक्ट भी किया जा सकता है, हॉस्पिटलिटी डिज़ाइनर भी, जो कि पाकिस्तान में फ़र्स्ट टाइम मैंने जो ये वर्ड सुना था और इसके ऊपर जो काम मैंने देखा था तो उन्हीं का देखा था। और आर्किटेक्ट, इंटीरियर डिज़ाइनर भी हैं और भी बहुत सारे पोर्टफोलियो में उनके चीज़ें हैं। मेरा ख्याल है मैं उनकी तरफ चलता हूँ, उनको बात करने का ज़्यादा मौका देते हैं। अभी रिसेंटली उन्होंने बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट किया है, एक्सपो पाकिस्तान, जो कि दुबई में बहुत बड़ा इवेंट हो रहा है, उसके हवाले से बहुत सारी खिदमात हैं उनकी। आप समझ गए होंगे मैं जिनकी बात कर रहा हूँ। जी हाँ, मेरे साथ मौजूद है कामरान शेख साहब, मैं उनसे आपका तारुफ़ करवाता हूँ। और ख्वाबों से तबीर तक के इस सफ़र में आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि वो बचपन में कैसे थे, क्या करते थे, कहाँ से उन्होंने एजुकेशन ली, और ये जो दो चार चीज़ें जैसे मैंने हॉस्पिटलिटी की बात की है, इंटीरियर की बात की है और उनके क्रेडिट्स में बहुत सारी चीज़ें भी है, तो ये सब कुछ क्या उनका शौक़ था कि भी, और पाकिस्तान जैसे मुल्क में बहुत सारी चीज़ें उन्होंने इनोवेशन की है वो किस तरह से होगी, नॉट ईज़ी जॉब। जी हाँ, कामरान शेख साहब मेरे साथ मौजूद हैं, चलते हैं हम उनकी तरफ। जी अस्सलाम वालेकुम कामरान साहब, कैसे हैं आप सर? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक। वेलकम टू माय शो ख्वाबों से तबीर तक के सफ़र में। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। थैंक यू प्रियर जी। कामरान साहब, जैसे कि मैंने अपने तारुफ में कराने की कोशिश की आप जैसे शख्सियत की, माशाल्लाह। कामरान साहब, जितना मैं आपको जानता हूँ, माशाल्लाह आप बहुत ही, पहली बात तो शाये हैं इस मामले में, और थैंक यू वेरी मच आपने टाइम दिया मुझे, ठीक है। काम सर, थोड़ा सा चूँकि फॉर्मेट है ख्वाबों से तबीर तक, हम पहले प्रीवियसली माजी में जाते हैं। एक लाहौरी मुंडा, लाहौर में पलने वाला, बढ़ने वाला, पढ़ने वाला एक लाहौरी मुंडा, लाहौर के एजुकेशन लेकर उसका ख्वाब क्या था और वो ख्वाबों की तबीर अब तक मिल गई है कि उसी के जस्तजू में आप गामजन हैं? पहली तो बात है कि मैं हूँ पंजाबी, या मगर मेरी ज़िंदगी गुजरी है कराची में। अच्छा। हाँ, तो आई वेंट टू स्कूल इन कराची, कॉलेज भी उधर किया, स्कूल भी उधर किया, उधर ही जिंदगी गुजारी। okay. हाँ, तो टेक्निकली तो मैं अपने आप को कराची आइट कहूँगा, बिकॉज मेरे बचपन 5 साल के बाद मैं वहाँ तक था, टिल आई वेंट टू द स्टेट्स विच इज़ इन 1970। तो वो तो मैं कहूँगा कि आई एम वेरी मच अ पंजाबी, माई हार्ट इज़ ऑल पंजाब। एंड देन जब मैं वापस आया हूँ तो मैं लाहौर ही आया था, तो नाउ इज़ द लॉन्गेस्ट, सबसे ज़्यादा टाइम मैंने अपनी ज़िंदगी का लाहौर में गुजारा। सो आई फील कि येस, आई एम वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग पंजाबी, यू नो, एंड अ वेरी स्ट्रॉन्ग कराची, आई पर मोर सो अ पाकिस्तानी।
कामरान साहब, आपकी एजुकेशन क्या है, थोड़ा सा उसके ऊपर बताइएगा। जी सर, मैं बचपन से ही बड़ा शौक था थिएटर, और बचपन से और आर्ट्स का स्कल्पचर करना, पेंटिंग करनी, कुछ एरोप्लेन्स बना लेने, थिएटर में बड़ा शौक था बहुत ज़्यादा। आई वॉज द ड्रामेटिक सेक्रेटरी ऑफ द नेशनल कॉलेज इन कराची। हाँ, तो वो बड़ा शौक था मैकबेथ करने का एंड ऑल ऑफ दैट। तो वो ज़रा बड़े हो गए तो मुझे थोड़ी सी आ गई, तो मेरी अम्मा ने कहा तो वह नहीं कर सकता, बस बहुत हो गई खेलना वेलना, तो हूँ तू CSS ऑफिसर बनेगा तो या तू बर्मा शेल ज्वाइन करेगा। Terrible, you know. I wanted to be an actor. I wanted to be like Peter O'Toole. You know, my god was Peter O'Toole. Mera ek hota hai na sabka ek ideal. To mera ideal not Zia Mohiuddin. Wo to mujhe baad mein pata chala ki mujhse pehle Zia sahab wahan pahunche hue the. To bahut shauk tha ki main acting karun, direction karun, theater karun. मगर वो फैमिली की वजह से उस जमाने में पसंद नहीं किया जाता। नहीं, वो कंसिडर्ड कंजर खाना। बिल्कुल हाँ। तो वो मेरी नानी आई हुई थी, तो उस दिन कहते हैं कितने जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं? तो उन्होंने कहा हाँ बीबी जी बाहर जा रहे हैं। की करन जा रहे? कहते जी वो थिएटर से एक्टिंग करने। अच्छा, एक कोई पुत्र तो उन्होंने कंजर बनाने लगी। तो दैट वॉज द एंड ऑफ दैट, दैट वॉज द एंड ऑफ दैट। बट यू नो व्हाट आई एम सेइंग, दैट हैपेंड एंड I have always been more towards the arts than anything else. Phir main gaya to become an architect. Okay. I left to become an architect. Unfortunately, I couldn't afford all of the responsibilities of being an architect and studying just straight through. Aur to kaam kiya, काम भी करता था, ये भी करता था, हैड सम प्रॉब्लम। थ्योरी प्रैक्टिस ली, यानी कि आप प्रैक्टिस से पहले वो इतना महंगा था उनका वो कोर्स कि मैं उसको छोड़ के तो मैं हॉस्पिटैलिटी में आ गया। मैंने कहा कुछ देर मैं हॉस्पिटैलिटी कर लेता हूँ, फिर जब कुछ मौका मिलेगा तो मैं आर्किटेक्चर वापस चला जाऊँगा और डिज़ाइन में। फिर वो खैर वो कर लिया, तो हॉस्पिटैलिटी में आया। तो उस जमाने में वो शीख कहते थे, मेरा लास्ट नेम शेख। शेख, हाँ जी। तो वो शीख है जो उनके लिए वो अरब बड़ा फैसिनेटिंग था, तो दे प्रॉब्ली लुक लाइक एन अरब और व्हाटएवर। तो उसमें इतना घुस गया कि आज तक उसी में, यू नो, दैट्स वन ऑफ माय मेजर प्रायोरिटीज। आई लव हॉस्पिटैलिटी। मुझे हर एक चीज हमेशा कोई क्रिएट अपनी चीज़ भी की हुई दोबारा रिपीट करना अच्छा नहीं लगता। मैं चाहता हूँ कि एक बिल्कुल इनोवेटिव एक्सपेरिमेंटल समथिंग न्यू शुड कम अप। और मैं हमेशा उसी मूड में रहा हूँ जब तक मैं यहाँ पे अब तक हूँ, मैं उसी मूड में रहा हूँ कि मुझे अब अच्छी भी चीज़ मैं करूँ, कुछ बुरी भी की होंगी ज़रूर, यू नो, अच्छी चीज़ भी करूँ या शोहरत उसकी मिले, मगर उसको रिपीट नहीं होनी चाहिए। मेरा एक और आर्किटेक्ट दोस्त है, बहुत करीब है मेरे, बहुत ज़बरदस्त पाकिस्तान का आर्किटेक्ट है। तो वो कहते कामरान अपना सिग्नेचर बनाओ। तो मैंने कहा वो क्या होता है? कि यार तो लोगों को पता चलना चाहिए कि ये तुमने किया है। तो मैंने कहा दैट्स नो फन यार। मैंने कहा आई डोंट वांट टू डू अ कुकी कटर अप्रोच। एक गुड्डी बनाई तो फिर गुड़ियाँ वही बनाई जा रहे हो। सो इट्स बेटर टू एक्सपेरिमेंट एंड टू इनोवेट एंड टू क्रिएट। वो अमरीका में बहुत साल काम किया, रगड़े भी बड़े खाए, ऊंची भी हवाएं देखी बहुत ज़्यादा। जब मैं इधर आया हूँ तो 70-80 रेस्टोरेंट्स हम लोग चला रहे थे इन अमेरिका। जी हाँ, तो आई वाज वन ऑफ द डायरेक्टर्स ऑफ दैट कंपनी, माशाल्लाह, जो यहाँ आके तो मैं एक रेस्टोरेंट के लिए आया था, मतलब दैट वाज माय स्टार्ट। वो बिनाश शायद आपने सुना। जी, 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 हाँ। तो वो उसके लिए आया था। तो मैंने कहा था यू नो अगेन द क्रिएटिविटी वांटेड टू कम आउट एंड माय एस्थेटिक्स एंड माय आर्किटेक्चर एंड डिज़ाइन। फर्स्ट टाइम किया, अच्छा, इन पाकिस्तान फर्स्ट टाइम। अभी तो ये बंद है, बुक बंद है, किसी को पता नहीं इस बात का, बहुत कम लोग। हम यही जानना चाहने की कोशिश कर रहे हैं कि आप बताइए प्लीज हमारे व्यूअर्स को। हाँ, मैं बता रहा हूँ व्यूअर्स को ही बता रहा हूँ कि ये जो इंटीरियर डिज़ाइन है, इससे पहले ना डिज़ाइन का अल्फाज था और ना इंटीरियर डिज़ाइन का अल्फाज था।
आर्किटेक्ट्स थे, बड़े उम्दा किस्म के आर्किटेक्ट्स थे, अच्छे अच्छे आर्किटेक्ट्स, बट इंटीरियर डिजाइन का कॉन्सेप्ट नहीं था। इंटीरियर डेकोरेशन फूल पत्ती तो फ्लावर अरेंजमेंट थे, वो जो औरतें करती थी बिल्कुल। हाँ, तो वो कॉन्सेप्ट था। तो जब मिनाज बनाया तो उस वक्त लोगों ने रियलाइज किया कि नहीं, समथिंग नोन एज इंटीरियर डिजाइन, यू नो, आई थिंक ये सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स है डिजाइन, व्हेन यू डू अ कंप्लीट, नॉट जस्ट पेंट एंड पॉलिश एंड फूल एंड पत्ती, दोज आर दी एसेसरीज टू फिनिश अप दैट डिजाइन। बट आई एक आप एक मूड, एक आप एक एटीट्यूड क्रिएट करते हैं उस डिजाइन से, एक फीलिंग आप क्रिएट करते हैं, फिलोसफी होती है उसमें, एंड आपका हाउ यू फील इन दैट स्पेस, यू नो, आर यू हैप्पी, आर यू सैड, वो सारी चीजें उसमें आप कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं। सो मैंने तो कर दिया, मैं यहाँ पे मैं कहता था यार मुझे ये चीज ऐसे बनानी है कि साहब ऐ नहीं हो सकता, तो आई वुड इंसिस्ट कि मैं ऐसे ही वो बनानी ज़रूर, क्यों, छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी चीज़ें, उस वक्त हमारे पास वो टूल्स नहीं थे, हमारे पास वो एजुकेशन नहीं थी, हमारे पास वो वर्कर्स भी नहीं होंगे, वो वर्कर्स सब भाग चुके थे, दुबई वो इंडस्ट्री नहीं ना, सारे दुबई भाग चुके थे, तो एक आधा जो वर्कर पीछे, बड़े टैलेंटेड हमारे पास, आई मीन विल कम टू द फ्यूचर, और आप देखें कि जो टैलेंट की बात कर रहा हूँ मैं, उस जमाने के तो भाग चुके थे, टुडे हमारे पुराने जो टैलेंट्स हैं उनको हमने आई थिंक जिंदा दफन कर रहे हैं, मतलब कि हम उनको हेल्प आउट नहीं कर रहे, हम उनको क्रिएट करने नहीं दे रहे, यू नो, यहाँ पे कोई अगर आप एक स्टैचू बना दें तो वो कहते हैं ये इस्लाम के खिलाफ हो गया, यू नो, ओके, टॉलरेंस लेवल कुछ और हो गया, हमारी एटीट्यूड्स को चेंज हो गए, यू नो, मगर तो वहाँ से बात शुरू हुई, एंड फिर मैंने एक बनाया तो दो बनाए तो तीन बनाए, अब तो बहुत सारे बना लिए, यू नो, मगर हर एक कॉन्सेप्ट का एक अलग मूड है, हर एक थीम का एक अलग खाना है, डांस वगैरह सब कुछ टोटली डिफरेंट, बिल्कुल 100%, एक से एक जूक है तो बिल्कुल ही क्रेजी है, वेरी फेमस रॉक एंड रोल, एक मिनाज है तो दैट्स वेरी सीरियस एंड वेरी फुल डाइनिंग, देखिए उसमें कामरान शेख नजर आएंगे आपको, लगेगा उनका यानी कि ये शाहकार उसी उन्हीं का है, तरतीब दिया, मैं कहता हूँ कि ना नजर आए बट नजर आते हैं, आई गेस वो अगर इफ यू नो कामरान तो फिर तो डेफिनेटली नजर आएंगे, कि वो क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डिटेल ओरिएंटेड हूँ, मुझे डिटेल बहुत पसंद है, तो डिटेल हर एक चीज़ का, यूनिफॉर्म से लेके कारपेट तक, तो छत तक, तो किचन मैं डिज़ाइन करता हूँ, खाना मैं डिज़ाइन करता हूँ, उसका टेस्ट मैं, आई लाइक टू वर्क विद प्रोफेशनल्स, मेरी प्रोफेशनल्स तो अब पैदा हुए ना 10-15 साल पहले, और उससे पहले तो सब कुछ आपको ही करना था, तो इन एंड गोइंग द राइट डायरेक्शन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो कामरान साहब इसमें इंस्पिरेशन कहाँ से, यानी आपकी ज़्यादा इंस्पिरेशन कहाँ से लेते हैं आप स्पेशली, क्योंकि ये तो बहुत आई नो कि अभी आप एक आर्टिस्ट माइंड हैं और आपके अंदर से ये सारी चीज़ें हैं, आपकी अपनी तख्लीक है होती है, ठीक है, जिस तरह आप बता भी रहे हैं, देखिए कोई थाट तो होगा इंस्परेशन का। देखिए एक तो इंस्पिरेशन का थॉट ये है कि आपकी जो विजुअली आपने ज़िंदगी में देखा है ना, उससे बड़ा फ़र्क पड़ता है। आप यू गो टू वन कंट्री, यू एक्सपीरियंस दैट कंट्री, यू एक्सपीरियंस द गुड एंड बैड पॉइंट्स ऑफ दैट कंट्री, यू एक्सपीरियंस द मॉन्यूमेंट्स ऑफ दैट कंट्री, तो दैट बिगिंस टू फॉल इनटू योर माइंड, बिल्कुल, तो दैट इज़ हाउ योर क्रिएटिव, यू नो हाउ मच यू, मैं रोम गया अभी लेटली, I just went to Rome. मुझे लोगों ने कहा यार तुम रोम नहीं अगर गए तो फिर तुम आर्किटेक्ट नहीं हो, तुम्हारे प्रोपोर्शंस ठीक नहीं होंगे, इट्स ऑल अबाउट प्रोपोर्शन, लाइफ इज ऑल अबाउट प्रोपोर्शंस, तो मुझे उन्होंने कहा कि जी आप तुम तो, मैं आई वॉज वेरी कीन टू गो टू रोम, मैं रोम गया, आई वॉज टोटल खंडर, आई हैव सीन बेटर रोम ऑन 8K ऑन 4K बिग स्क्रीन्स देन आई सॉ इन रियलिटी, टूटे पत्थरों इतनी लंबिया लाइना लगी, हिस्टोरिकल प्लेसेस, नो हिस्टोरिकल, यस वी हैव इवन मोर हिस्टोरिकल प्लेसेस बट वी हैव नॉट हैड द चांस टू एक्सप्लोर देम और टू गेट पीपल टू नो अबाउट देम, अभी ब्यूटीफुल रोम इज लवली बट मतलब के उससे खूबसूरत में शायद इजिप्ट है, इजिप्ट यू नो मैं उससे शायद ज्यादा खूबसूरत, शायद महंजनदारो होगा एक जमाने में, अभी तो है, मगर हमने उसको एक स्टेज पे दी, वो उधर एथेंस गया मैं तो उन्होंने वो रात को टूटे हुए सारे कॉलम्स उनके टूटे हुए, आई थिंक एक साबित नहीं है, तो वो उस आर्ट से देखते हैं कि भाई टूटा हुआ है मगर उसकी लाइटें शाइटें और करोड़ों लोग उसको देख रहे हैं, वंडरफुल,
बट हमारे में भी वो चीज़ आनी चाहिए, यू नो, हमें वो छुपानी नहीं चाहिए, वो दिखानी चाहिए. बिल्कुल, बिल्कुल. और वो बिल्कुल अपने आप को खुला आम दिखाते हैं, विच इज़ सो एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ. जो आपने किस किस्म की जिंदगी देखी है, किस किस्म की जिंदगी निभाई है, बिल्कुल, उससे आई थिंक अ लॉट ऑफ योर इंटेलेक्ट एंड अ लॉट ऑफ योर डिजायर्स एंड अ लॉट ऑफ योर मूड्स हैपन. एंड देन व्हेन यू लुक एट स्पेशल पीपल लाइक स्पेशल, एनीबडी स्पेशल, एन आर्टिस्ट और आर्किटेक्ट, जो भी अगर स्पेशल लोग हैं, फिर उन्होंने जो किया हुआ उसकी अप्रिसिएशन आपके दिमाग में बैठना शुरू हो जाती. मैं एक जगह काम किया न्यू ऑर्लींस में, वो 140 साल पुराना रेस्टोरेंट था. ओके. 140 years. It was called Commander's Palace in New Orleans in the Garden District. तो मैं बड़ा स्मार्ट से मैं अपना अरमानी का शूट शूट पा पू के मैं इटालियन सेट करके वहाँ पे गया. मैं तो एला ब्रेनन वॉज द प्रोप्राइटर एंड शी हैड हेड हंटेड मी फ्रॉम From Miami to New Orleans. Headhunter, you understand? Yeah. हाँ, अच्छा. तो वो ले गई मुझे उधर, तो मैं वहाँ खड़ा हुआ, तो मैंने कहा यू नो वी शुड डू दिस एंड वी शुड डू दैट एंड वी शुड डू दिस. तो कहती हाउ ओल्ड आर यू? आई सेड आई एम 28 एंड शी गोज आई हैव बीन इन द बिजनेस 40 इयर्स. आई फेल्ट लाइक यू नो एंड यू शुड हैव सीन कि क्या उसका डिटेल था. 850 पीपल की वन टाइम सीटिंग. There were five dining rooms. मतलब कि वो चलते चलते ही टंगा रह जानी है. रह जाएगी यकीनन. But then I hated her and I loved her. I hated her because she was a slave driver. But उसी से जिंदगी बनती है. Hard work से. You know, relax करके लेट के जिंदगी नहीं बनती. वो चार चार बजे रात को घर आना है and all of that stuff. सही है. तो उसकी वो चीजें जो मैंने हेट की वो तो मैंने छोड़ दी. बट उसकी जो मैंने लव की वो मेरे दिमाग में बैठ गई. तो दैट्स वेयर द क्रिएटिविटी पार्ट. जी नाज़रीन, जैसे आपने देखा और आप देख भी रहे हैं कि भी बहुत इंटरेस्टिंग गुफ्तगू चल रही है कामरान शेख साहब के साथ. इस टाइम हम लेंगे एक स्मार्ट सा ब्रेक. मिलते हैं हम आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक. टूरिज्म डजंट मेक हॉस्पिटैलिटी, हॉस्पिटैलिटी मेक्स टूरिज्म. टूरिज्म फर्क है थोड़ा सा. और ये हमारी अगेन वो साइकी वाली बात है. और हमारी टूरिस्ट अब पता नहीं गवर्नमेंट के थ्रू उन्होंने कितना काम कर लिया या कर रहे हैं, बट आई थिंक टूरिज्म इज अ पार्ट ऑफ द हॉस्पिटैलिटी बिजनेस. तो टूरिज्म मैं वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं ख्वाबों से तबीर तक का ये एपिसोड और मेरे साथ है गुरु ऑफ हॉस्पिटैलिटी मिस्टर कामरान शेख साहब. जनाब कामरान साहब, हॉस्पिटैलिटी इसके लिए आपने बहुत कुछ किया है, नो डाउट. ठीक है. और आप तब से कर रहे हैं जब पाकिस्तान में इसको एक जिसको कहा जाते हैं हॉस्पिटैलिटी एक इंडस्ट्री नहीं थी, अब तो एक माशाल्लाह एक इंडस्ट्री का दर्जा रखती है. और आपने अभी जैसे कि बातों में मुझे बताया भी, अब लाहौर में यानी कि लाहौर जो रेस्टोरेंट्स हैं एसोसिएशन उसके प्रेसिडेंट भी है शायद. जी जी. तो आप थोड़ा सा इस इंडस्ट्री के मुतालिक बताइएगा कि ये अब कितनी बड़ी इंडस्ट्री बन गई है और आपके आने से इसमें क्या इनोवेशंस आई हैं प्लीज़. मेरी ज़्यादातर ख्वाहिश तो ये है कि हम सबको हेल्प कर सकें. जी ठीक है. इसके एस ओ पी स्टैंडर्डाइज कर सकें, इसकी हाइजीन्स को बेहतर कर सकें और नए नए लोगों को जो पढ़े लिखे लोग हैं जो मतलब कि जो बवर्ची नहीं है ये वो मैनेजर्स भी हो सकते हैं, से प्रोप्राइटर्स भी हो सकते हैं. बिल्कुल. यू नो एवरीथिंग इज़ नॉट अ बैरा एन अ मुंछी. यू नो दैट इज़ आवर मेंटेलिटी, ओल्ड मेंटेलिटी जो हौले हौले फारग हो रहे हैं. होगी ऑलमोस्ट बिकॉज आई रिमेंबर देयर वाज अ सिचुएशन. आई आस्क्ड समबडी के आई विश दैट यू कुड गिव सम लाइक कॉर्नेल यूनिवर्सिटी इन अमेरिका इज अ वेरी पॉपुलर वेरी आईवी लीग टाइप सिचुएशन फॉर हॉस्पिटैलिटी. तो मैंने उनको कहा था कि अगर आप ये कर दें, अगर कुछ कोर्सेज आप अपने कॉलेज में दें. तो ही गॉट ऑफेंडेड. He got offended and he said कि नहीं हमारे तो ब्यूरोक्रेट्स बनते हैं और हमारे ऑफिसर्स बनते हैं या वट एवर. सो इट्स अ शेम. दैट वॉज देन, दैट वॉज 80s समथिंग, मिडल 80s. टूडे ऑल ऑफ द बेस्ट फ्रॉम द अमेरिकन स्कूल, फ्रॉम द HSN, यू नेम इट, देर ऑल इन द बिजनेस. एंड दिस बिजनेस इज नाउ बिकमिंग इट इज एन इंडस्ट्री. नॉट पाकिस्तान ने उसको अभी वो रुतबा नहीं दिया, टूरिज्म को दे दिया है.
हॉस्पिटैलिटी को पहले देना चाहिए था मेरे हिसाब से, क्योंकि इससे टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी का काफी आपस में, टूरिज्म डजंट मेक हॉस्पिटैलिटी, हॉस्पिटैलिटी मेक्स टूरिज्म, ये सब फर्क है थोड़ा सा। और ये हमारी अगेन वो साइकी वाली बात है, और हमारी टूरिस्ट अब पता नहीं गवर्नमेंट के थ्रू उन्होंने कितना काम कर दिया या कर रहे हैं, बट आई थिंक टूरिज्म इज अ पार्ट ऑफ दी हॉस्पिटैलिटी बिजनेस। तो मैं वो केटू से नहीं जावांगा, जब मेरे केटू से मैं नंगा बहना पाएगा तो मैं एप्पल खा के गुजारा करना पाएगा, यू नो द रियल द मनी टूरिज्म व्हाट दुबई अट्रैक्ट्स एंड व्हाट स्विट्जरलैंड अट्रैक्ट्स एंड व्हाट ऑल ऑफ द अदर कंट्रीज इन द वर्ल्ड अट्रैक्ट टूरिज्म टू मेक मनी। बैकपैकर्स ने सारा कोई फायदा नहीं होना। सो आई थिंक द रेस्टोरेंट बिजनेस एंड द होटल बिजनेस must be categorized as a industry because yeah it's the largest employer of people in the world. Isse zyada employment kahin hai hi nahi, hai nahi, hai nahi. Aap dekh lein, aap double check kar lein, aap triple check kar lein, magar uski phir wo facilities bhi dein. Ab ye agar ek aroosh pe aa rahi hai, ek standard hota tha jab maine minaj kiya to log was so nervous, unke haath yun kaanpe hote the. Then I go, oh, this gentleman is not having a good time in that place. It was too sophisticated, too elegant, too beautiful for that person. But the whole thing is, now when you do a lot of that, people get used to it. Humans learn fast. You know, we are innovative and yet we also understand what's going on. Hamara dimag bade acceptance level pe aa jaate hain. हमें वो करना चाहिए, करना चाहिए। हाँ। और हमें हॉस्पिटैलिटी को फर्दर डेवलप करना चाहिए एंड नॉट जस्ट कि टूरिज्म के पीछे हम पड़ जाएं, दैट इज अ पार्ट ऑफ हॉस्पिटैलिटी। अगर देखिए ना, अगर आपके पास होटल नहीं है या अच्छा खाना साफ सुथरा नहीं है तो वो या अच्छी, भी आपकी नहीं अच्छी है। बार नहीं है, यू नो ऑल दोस थिंग्स, तो टूरिस्ट की करना आएगा, नमाजा पढ़ना आएगा। नहीं, रियलिटी देखो ना, इफ आई एम कमिंग टू योर कंट्री तो आई एम लुकिंग फॉर सम एक्शन। स्पेंड भी तो करना ना आपने, किस पे माउंटेन क्लाइंबिंग, तो एवरीबॉडी डजंट डू माउंटेन क्लाइंबिंग एंड किल बोर्स, यू सी देयर लॉट ऑफ, बट देयर इज अ ट्रेमेंडस अपॉर्चुनिटी। आई थिंक सबसे ज्यादा वन ऑफ द मोस्ट hospitable people in the world is Pakistanis. हमारे ये नेचर में भी है, you know, कि आप किसी भी तरफ जाएं, किसके पास भी जाएं, वो आप तो आपके घर कोई आए तो आपने उसको खाने वगैरह जाने नहीं देना, you know, तो this is a mindset. तो इसको further commercialize करें थोड़ा सा और इसको develop करवाएं और करें and the government should help. बल्कि सर ये कहा जाता था किसी के दिल तक पहुंचना है अगर आपने तो खाने के थ्रू यानी कि आप जा सकते हैं, दुनिया में हर जगह पर। बिल्कुल बिल्कुल, कि if you want to get to a man's heart, you have to go through his stomach. खाना ठीक खुआ दो, पाए ठीक खुआ दो, न्यारियां ठीक खुआ दो, यू नो। सर होता था लाहौर में कल्चर, देखे ना जब बसंत होती थी तो आपका फूड इतना फेमस होता था कि दुनिया में से लोग आते थे। एक पहला प्रोजेक्ट, आपने इतनी अच्छी वो तार छेड़ी प्लीज इतनी अच्छी तार, क्योंकि मेरी मियाँ यूसुफ सलाउद्दीन से भी इसी के ऊपर बात हुई थी। मैं ये कहता हूँ कि एक हमने ऑलमोस्ट उसको इंडस्ट्री बना दिया था। वो अभी एवरी ईयर शो होना शुरू हो गया, वो सब कुछ होते होते हमने, अगर मेरा एक्सीडेंट आपकी गाड़ी से हुआ है दैट मींस के ये अब ड्राइव नहीं करेंगे, ये क्या बात, ये कहीं भी नहीं होता ऐसा। नहीं, ये पाकिस्तान में तो होता है, पाकिस्तान में होता है, पाकिस्तान में होता है। व्हाट यू कांट डील विद, क्लोज इट डाउन, दैट्स नॉट द वे टू डू इट, दैट इज नॉट अ साइन ऑफ प्रोग्रेशन। मैं अभी आई एम गोइंग बैक अगेन टू व्हेन आई फर्स्ट केम, कि साहब ऐ नहीं हो सकता, ऐ नहीं हो सकता, ऐ तो हो ही नहीं सकता, एंड तो भूल ही जाओ। मैं सब कुछ करके दिखाया, बिल्कुल मैं वो करके दिखाया, करके बखाया, फिजिकली करके बखाया, एंड वो एक्सेप्ट किया कि हाँ तुझे कर लेता, दैट्स द पॉइंट। यहाँ पे यू नो इफ वी बसंत सर, वो इवेंट द बिगेस्ट फेस्टिवल दैट ऑल, आई थिंक अनदर 10 इयर्स वी वुड बी वर्ल्ड नंबर वन, जैसे वो रियो का फेस्टिवल है, हमारा वो फेस्टिवल, वो थिएटर भी शुरू हो गया, एंटरटेनमेंट भी शुरू हो गई, फॉरेनर्स भी आ गए, वो अभी वो ICI के लोग, तो कॉर्पोरेट सारे सेक्टर्स आ गए। वी शुड हैव नेवर किल्ड इट, इफ अगर हमने वो तारों वालों को पकड़ो ना, इफ आई मर्डर यू, व्हाई शुड ही सफर।
सर कितना रेवेन्यू आ रहा था, कितना पाकिस्तान का नेम हो रहा था, थिएटर बहुत चल रहा है, रफी पीर थिएटर पे मुझे थिएटर थिएटर फंक्शंस पार्टीज फूड्स एवरीथिंग आई मीन चौका ब्लॉक एंड गोरा ही गोरा ही जा रहा है। लोग पूरा प्लान करते थे जी बिफोर ईयर yes. कि हमें पाकिस्तान जाना है, ये करना है हमें, हैपनिंग करनी है। उसको कुछ गर्दनें कटवाई या काटी कुछ भी नहीं, सब नहीं वन टू, उनको जरूर पनिश करना चाहिए। अगर एक बंदे ने रेप किया है तो उसको उसकी सजा मिलनी चाहिए। मगर ये नहीं कह सकते ना वेमेन कैन नॉट गेट आउट ऑफ द हाउस एनी मोर बिकॉज वो रेप हो जाएंगी। ये क्या बात करनी, ये क्या बात बनी? We live in a modern culture of the world. सर आपको लगता है कि बसंत का इवेंट अब होना चाहिए? हाँ बिल्कुल 100% होना चाहिए, बिल्कुल होना, उससे बेहतर होना चाहिए। दिल्ली ले गया साडा इवेंट, बड़े खुशी से, they are very happy, और सी वो वापस लाना चाहिए। We should take it back. And I think Yusuf Ali is one of them that would. सर मेरे साथ बहुत बात हुई इसके ऊपर उनके साथ, और बहुत बड़ा वो ख्वाहिश रखते हैं आपकी तरह, बहुत ज्यादा दर्द है दिल से कि यार ये होना चाहिए। नहीं, बिकॉज अगर देखें, अगर हमने जो चीजें डेवलप हो रही हैं उनको हम काट दें तो जड़ तो नीचे ही रह जाएगी। बिल्कुल, फिर क्या बात बनेगी। जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं जैसा कि मैंने तारुफ में भी कहा, गुरु ऑफ हॉस्पिटैलिटी मिस्टर कामरान शेख मेरे साथ मौजूद है, और इस वक्त हम लेंगे एक स्मार्ट सा ब्रेक, मिलते हैं आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। मेरे पास 87 लड़के थे, अच्छा 87, उनमें से अब लेटर ऑन उनमें से वो मतलब कि डिश वॉशर से लेके ऊपर तक, ओके, आज वो डिश वॉशर किसी जगह का मैनेजर लगा हुआ। गुड, बहुत अच्छी, इससे बड़ी क्या और नेकी भी होगी काम भी। जी गुड, सो आई थिंक दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि आप पीछे से लेगेसी छोड़ें ऐसी के लोगों। वेलकम बैक नाजरीन, ख्वाबों से तबीर तक के सफ़र में कामरान शेख साहब मेरे साथ मौजूद है। कारम साहब, आपकी पर्सनैलिटी में बहुत सारी चीज़ें नुमाया हैं, ठीक है। सबसे पहले मुझे मेरे व्यूज जाना चाहेंगे, आपकी स्मार्टनेस का राज क्या है प्लीज़? गुड वन, क्या राज? मैं खाना बहुत कम खाता हूँ। अच्छा, हाँ जी, लोगों को खिलाते हैं? लोगों को खिलाते हैं, और रात का खाना खाता ही नहीं मैं। ओके, हाँ, मैं डे टाइम ईटर, ये मैंने कुछ दिनों से, मुझे कुछ सालों से शुरू किया है। बिकॉज यू नो, जब भी रेस्टोरेंट आप खोलते हैं तो उस वक्त ये आप परहेज नहीं कर सकते, नहीं कर, पॉसिबल ही नहीं। आपको ये नहीं कह सकते नहीं मैं ये नहीं टेस्ट करना, मैं अभी नहीं खा सकता, ये पॉसिबल नहीं है। मगर मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मीठा कम खाना है तो रोटी ज़्यादा खानी है और चावल नहीं खाने हैं, ऑल दैट, इट जस्ट खाना ही कम है। ओके, हाँ, दैट इज प्रोबेबली वन ऑफ द रीजंस। हाँ, आई थिंक सो, आई थिंक सो। अच्छा कामरान साहब, आप एक इंटीरियर डिज़ाइनर भी है, हॉस्पिटलिटी डिज़ाइनर भी है कहा जा सकता है, और भी चीज़ें हैं, आपकी शख्सियत को नुमाया क्या चीज़ आती है जिसमें हम के कंप्लीट पैकेज या कंप्लीट है कामरान शेख साहब ये है, तो उसकी डेफिनेशन अगर आप करेंगे तो क्या, यानी कि? गुड वन, अगर तो इफ यू रियली वांट टू डिफाइन माय पर्सनालिटी, आई एम अ फ्रस्ट्रेटेड आर्किटेक्ट। Nice. You know, and a desperate interior designer. That's how I think. But नहीं, I'm a complete package for hospitality में complete packages. मजा आता है उसमें? नहीं, packages नहीं मिलते. Okay. मतलब you get an architect, you have to have a designer, then you have to have a kitchen person, then you have to have a food person. So I'm encompassing all of those. Okay. Maybe that's why I'm a little different than the rest of the world. क्योंकि मुझे एम्बियंस के तौर पे मैंने मेन्यू बनाना है, मेन्यू के तौर पे मैंने किचन बनाना है, किचन के खाने के तौर पे मैंने सर्विस करनी है, सर्विस के तौर पे मैंने यूनिफॉर्म्स करनी है। सो आई एम वेरी थियमेटिक एंड मैंने अपना एक दुनिया सी बना ली। मैं तो एक बच्चा पैदा करता हूँ ना एवरी 8.5 months, 9 months, फिर वो बच्चे को चलाना होता है थोड़ी देर, अगर वो ना चलाएं तो बेचारा ठोकर खा के गिर जाएगा, तो उसको जब वो चलना शुरू हो तो फिर हल्के हल्के आप उसको लीड दे देते हैं। लुक एट द एग्जांपल ऑफ कैफे ज़ूक, कैफे ज़ूक इतना सा था, अब माशाल्लाह वो इट्स आई थिंक द ओनली वन ऑफ द ओनली रेस्टोरेंट्स, परहैप्स द ओनली रेस्टोरेंट, इज एन आइकॉन। इट्स द मतलब अगर लंदन से लोग आते हैं तो कहते हैं ज़ूक जरूर जाना। सर मुझे आइडिया है, जब हम लाहौर में ओपन हुआ था तो एक नई चीज थी, हम खुद लोग सिर्फ उसका वो एम्बियंस और वो सारी चीजें देखने जाते थे, फूड तो बाद की चीज थी। लेकिन बिकॉज फूड लोगों को समझ नहीं आता था, उनको क्या इसमें नमक बहुत ज्यादा है, यू नो, उनको समझ नहीं, इतना खाना उनको नहीं समझ आ रहा था। बट वो बिकॉज सारा इसी
आप ऑलमोस्ट सिक्स सेंस को टच कर लेते हैं जब आप एक रेस्टोरेंट या एक हॉस्पिटैलिटी एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं. अगर वो आप सारे सेंसेस को ले लें, फ्रॉम योर टच एंड स्मेल एंड सीइंग एंड थिंकिंग एंड द रेस्ट ऑफ इट, तो अगर आप वो कंप्लीट कर लें तो दैट इज द कंप्लीट कॉन्सेप्ट. दैट व्हाट आई एम ऑलवेज लुकिंग फॉरवर्ड टू, कि मैं किसी तरीके से उसको कंप्लीट कर लूं. हाँ, कि वो कुछ चीज़ ना रह जाए. वो कहते हैं ना यार, बड़ा मजा आया मगर समझ नहीं आ रही कि किस बात पे मजा आया. मजा आया, यू नो, बट बड़ी अच्छी फीलिंग आई, लेट्स गो अगेन. तो दैट इज व्हाट इट इज. दैट्स व्हाट क्रिएटिविटी इज ऑल अबाउट. हाँ जी, दिस इज द क्रिएटिविटी, कि आप उनको उनके दिमाग में उनकी एक पिक्चर जो उन्होंने बनाई उस जगह की, वो सॉर्ट ऑफ फ्रॉम द टेस्ट टू द टच टू द सी एवरीथिंग एल्स एंड द माइंड, कि वो कंप्लीट हो जाए. तो दैट्स व्हाट क्रिएटिविटी. और इसी का नेम है कामरान शेख डिजाइंस. ठीक है कैनन साहब, कुछ फेमस आपके प्रोजेक्ट्स, ये जानना बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, जो आपने एग्जीक्यूट किए हो नेशनली इंटरनेशनली. इंटरनेशनली अभी रिसेंटली एक इंटरनेशनल थोड़ा सा किया है. आई वाज एक्सपो, वेरी स्मॉल पार्ट. उसमें आपका क्या था? मेरा तो बहुत छोटा था. आई वाज आई मीन क्लर्क टाइप पर्सन ओवर देयर. बट मैं एक टीम का था, मेरे एक दोस्त हैं, उन्होंने उस टीम को पुट टुगेदर किया, शाहिद अब्दुल्ला. उन्होंने विद द हेल्प ऑफ द एडवाइजर टू द पीएम अब्दुल रजाक साहब के साथ उन्होंने मिलके एक टीम कलेक्ट की, जिसमें आवर आई थिंक पाकिस्तान की एक बिल्कुल हाई मोमेंटम में, अगर किसी को मैं रखूं तो आवर जीनियस एट द जीनियस लेवल्स, यू नो, मे बी बियॉन्ड जीनियस लेवल्स. उन्होंने उस टीम को कलेक्ट किया, उन्होंने पिक द बेस्ट ऑफ द लॉट एंड नूरजहान बिलग्रामी. आई हैव टू ओपनली से कि उससे ज़्यादा क्रिएटिव आदमी या औरत मैंने नहीं अभी तक देखी इन पाकिस्तान, इन पाकिस्तान और एनीवेयर एल्स फॉर दैट मैटर. यू नो, क्रिएटिविटी की भी हाइट होती है. नो डाउट सो वो क्रिएटिविटी उनकी इतनी ज्यादा है कि वो इंटरनेशनली भी शी इज बियॉन्ड ऑल दोस पीपल, बिकॉज उन्होंने रिसर्च एंड द अमाउंट ऑफ जो उन्होंने डिटेल किया है, जो उन्होंने एक सिविलाइजेशन निकाली है पाकिस्तान, दैट वॉज इन पाकिस्तान दैट सिविलाइजेशन उन्होंने निकाली है, विच इज ओल्ड 4000 ईयर्स ओल्डर देन महानजंदार. हमें तो पता नहीं. इंटरेस्टिंग. तो और फिर जिस तरीके से उन्होंने उसको किया, सो आई वाज अ पार्ट ऑफ दिस ग्रुप ऑफ पीपल, एंड सिंस आई एम अ हॉस्पिटैलिटी पर्सन एंड देर आर नाउ मैनी आर्किटेक्ट्स एंड मैनी इंटीरियर डिजाइनर्स एंड मैनी फैशन डिजाइनर्स and so on, but even though, you know, Noorjahan has been a fashion designer, has been an artist, has written books, has done research, I mean, what hasn't she done? So I call her absolutely a genius artist, you know, that she's just superbly done, you know. Then Rashid Rana, our new Picasso, we call him, you know, brilliant, absolutely brilliant, you know, jo kar jaye usko wo to देते वक्त भी उनको, मुझे तो ये लगा कि ये तो डेफिनेटली कर देंगे, यू नो. और फिर दुनिया को ऑस्ट्रक करना बड़ी बहुत बड़ी बात है. तो मुझे एक छोटी सी जगह दी इन्होंने, मुन्नी सी जगह दी, तो जगह दी तो उन्होंने कहा जी ये तो तुमने करना है. तो मैं, यू नो, आई एम नॉट टू हैप्पी वर्किंग in a गवर्नमेंटल सिचुएशन. बट एनीवेज उन्होंने कहा नहीं, तुम्हें करना है फॉर द कंट्री. हाउ वाज एक्सपीरियंस? Fantastic. I love challenges and I love creativity. तो हमने क्या किया, एक रेस्टोरेंट है नीचे, अभी दूसरा कल खुलेगा, विच इज़ अ फॉर्मल वन, ये है ढाबा. तो हमने यहाँ के अपने चपली कबाब और बन टिक्की और पराठा रोल एंड ऑल दोज थिंग्स लेके उसको कंटेम्प्रेरी फॉर्म में हमने पेश किया. वो इतना हिट हुआ कि इंडियंस आके हमारी तरफ खा रहे, समोसा चाट एंड थिंग्स लाइक दैट, आलू चाट, नो समोसा चाट, ट्विस्ट, एवरीथिंग का ट्विस्ट, हर एक चीज का हल्का सा ट्विस्ट. आई मीन बिहारी आप बर्गर में नहीं खाते मगर वो फिर हमने इंटरनेशनल वर्ल्ड पे, व्हेन यू वर्किंग ऑन एन इंटरनेशनल स्टेज यू मस्ट रिलेट टू द साइकी ऑफ द इंटरनेशनल ऑडियंस. और वो गोरे आके बड़े सरप्राइज, दे लव इट.
मिर्चें ज़रा कम है, ऑफ कोर्स नेचुरली यू नो द होल वर्ल्ड हैज़ टू ईट इट, बट वो ज़मीन पे नहीं दिखाया हमने. कंटेम्प्रेरी एक ढाबा टाइप जगह बनाई विच इज़ नाहिद माशुकला, शी इज़ डन अ ब्यूटीफुल जॉब देयर आल्सो. एंड एक एक चीज़ कोशिश ये थी कि हर एक चीज़ जो वहाँ सर्व की जाए वो पाकिस्तानी हो, हर एक चीज़ जो वहाँ दिखाएं वो पाकिस्तान में बनी हो. वो इवन ही पाकिस्तान का था ना, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट. फिर हमने लड़के और जो सर्विस के लोग और किचन के लोग वो भी पाकिस्तानी के, हमने कहा पाकिस्तानियों से, हमने फ्रेंच और इटालियन और स्विस नहीं चाहिए, यू नो वी डोंट वांट. वो जरूरत नहीं थी उसमें. नहीं नहीं, जरूरत हो या ना हो, इवन ही पाकिस्तान. हाँ, तो एवरीथिंग इज लाइक वट एवर यू सी देयर, वट एवर. तो आई वॉज अ पार्ट ऑफ दैट एंड आई वॉज जितना वो हुआ पॉपुलर, हम लोग सब लोग वी वर नॉट रेडी फॉर दैट, बिकॉज यू नो जब इतने 194 कंट्रीज और उसमें रशिया भी है तो सऊदी अरेबिया भी है और जापान भी है और यूएई भी है और इतनी बड़ी बड़ी कंट्रीज हमें छोटे से, सो वी बिकेम अ जेवल इन द क्राउन. एंड दैट्स वन ऑफ द मोस्ट सेटिस्फाइंग फीलिंग्स माशाल्लाह आई हैव हैड. या आई एम so glad that I did it. I'm so glad it was well appreciated. Alhamdulillah. The most important thing is, you know, sometimes I have done things that I like very much and they are not as appreciated. Logon ko itna zyada wo pasand nahi aati, magar main kehta hu agar mujhe pasand aayi hai to kuch theek hi hoga. Kuch to hoga. So therefore I'm very happy with what's happened there, and inshallah going forward I think वो पाकिस्तान का भी, see that is how you going to pull. अगर उसको अच्छे तरीके से मार्केट किया गया तो definitely वो एक अच्छा, इतना अच्छा अंदाज. Again full hats to the team, completely the team. It's nobody else but the team. It's not this government and that state or this state. It's that team. I give my hats off to that team and I'm proud to be a part of that team. माशाल्लाह. Sir, कामरान साहब हम चाहते हैं कि और भी कई कामरान शेख हों इधर, तो उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? मैं कर रहा हूँ, मैंने जो मेरे फर्स्ट प्रोजेक्ट किया ना यहाँ पे, उसमें मेरे पास 87 लड़के थे. अच्छा. 87 उनमें से, अब लेटर ऑन उनमें से वो मतलब कि डिश वॉशर से लेके ऊपर तक. ओके. आज वो डिश वॉशर किसी जगह का मैनेजर लगा हुआ. गुड, बहुत अच्छी, इससे बड़ी क्या नेकी भी होगी काम भी. जी गुड. सो आई थिंक दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि आप पीछे से लेगेसी छोड़ें ऐसी कि लोग, पीपल कैन फॉलो यू एंड डू होपफुली एज गुड एज यू इफ नॉट बेटर, यू नो. यहाँ पे ना वो मनु को शानदार था, मैं छुपा के. असल प्रॉब्लम ये है, वी डोंट वॉन्ट टू शेयर. ठीक. हाँ, वी डोंट वॉन्ट टू शेयर, बट आई एम फ्रॉम अ वेरी अमेरिकन माइंड. मेरी पर्सनैलिटी या मेरा जो कुछ भी है वो अमरीका को, मैं उधर मैं अमरीका को क्रेडिट देता हूँ, बिकॉज वहाँ पे द लेवल ऑफ इंडिविजुअलिटी, जो आपने करना है आप कर सकते हो, आपको कोई रोकने वाला नहीं है. अच्छा करोगे तो अपने लिए, बुरा करोगे तो अपने लिए. सो दैट्स वेरी वेरी नाइस. आई एम अ प्रोडक्ट ऑफ दैट, बट देन आई एम अ पाकिस्तानी. सर फ्यूचर प्लान्स बड़ा जरूरी है सर बताना. व्हिच आई वुड लव टू डू अ हॉस्पिटैलिटी स्कूल. ओके. एंड आई एम ऑलवेज लुकिंग फॉरवर्ड. कब तक एक्सपेक्टेड रखे हो? आई डोंट नो मे बी इन माय लाइफ टाइम. वो भी चेंजिंग होगी ना, उसमें सब कुछ आपके माइंड के मुताबिक होगा. जब तक नहीं होगा वो नहीं बनेगा. जी जी बिल्कुल. उसके लिए टाइम चाहिए बहुत ज्यादा. आई डोंट माइंड द टाइम, मुझे टाइम का कोई वो नहीं है, मगर मेरा ख्याल है एक हॉस्पिटैलिटी स्कूल होना चाहिए. हमें, मैंने शुरू किया था 80 में, उन साहब से बात कर रहा था जो HSN के प्रिंसिपल थे. अच्छा. उनसे बात कर रहा था कि एक दो कोर्सेज डाल दें, तो नाराज हो गए थे मुझसे. तब शायद सुरतल कुछ और हो. हाँ, टुडे अब एचएसओनियंस भी हैं उसमें, मतलब कि बेस्ट फैमिलीज के लोग भी अभी आ रहे हैं इस बिजनेस में. एंड आई बी वेरी हैप्पी टू सी पाकिस्तान एट लीस्ट एट अ कंपैरेटिव स्टेज इन द हॉस्पिटैलिटी लाइक इंडिया इज. यू नो वेयर द कॉम्प्लीमेंट इज ड्यू, वेयर द You have to give the compliment. India's done a remarkable job with their hospitality. No. I think they charge, मतलब कि अगर ताज के आप रहे one of the hotels, तो they charge the same amount of money as Four Seasons. बहुत बड़ी बात है. बड़ी बात. बहुत ही बड़ी बात.
तो उनसे हमें नॉट दैट हमें क्लू लेना चाहिए, इंस्पिरेशन लेनी चाहिए. इंस्पिरेशन तो है हमें, मगर दबी हुई इंस्पिरेशन. हाँ, मगर हमें कुछ इंस्पिरेशन नीड सपोर्ट स्पेशली गवर्नमेंट लेवल. जी, मैं उसी की बात कर रहा हूँ. मैं तो गवर्नमेंट की ही बात कर रहा हूँ. ये भी गवर्नमेंट ना हेल्प करती, ये टीम ना बनाती, तो आज पाकिस्तान इतना शाशा ना कर रहा होता. ये किसी और का इसमें दखल नहीं है, किसी और की इसमें कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है. इट इज दैट टीम दैट दीज पीपल पुट टुगेदर एंड थैंक्स टू देम रियली रियली. कैरम सर, आपके साथ बातें तो दिल कर रहा है, और भी करूँ बहुत ज़्यादा, लेकिन टाइम की बंदिश है और एक सेशन और रखेंगे इसमें इंशाल्लाह ताला आपके ये जो अपकमिंग प्रोजेक्ट्स है इसके ऊपर बात करेंगे. स्पेशली मुझे आपके ये हॉस्पिटलिटी जो स्कूल लेकर आप आ रहे हैं इसका वेट रहेगा बहुत ज़्यादा. सर, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आपका कि आपने इतना कीमती टाइम दिया मुझे और मेरे चैनल के लिए. सर, कोई मैसेज न्यू कमर्स को, पाकिस्तान के लोगों को देना चाहें आप तो प्लीज़. एक ही मैसेज देना चाहता हूँ, बी पाकिस्तानी, मेक पाकिस्तानी. सर, आप आज हमारे गेस्ट थे मॉडल स्टील ग्रुप ऑफ कंपनीज के. उन्होंने आपके लिए एक स्पेशल गिफ्ट भेजा है जो आपको हमेशा याद दिलाएगा कि आप ख्वाबों से तबीर तक के सफ़र में मेरे साथ गेस्ट थे. थैंक यू सो मच. अच्छा, तुम्हारी वो कंस्ट्रक्शन कहाँ तक पहुँची? अल्हम्दुलिल्लाह, सब ठीक चल रहा है. यार, एक मशवरा तो दो. हाँ, कंस्ट्रक्शन के लिए सरिया कौन सा खरीदूं? मॉडल स्टील का सरिया ही खरीदो. इसमें क्या खास बात है? मॉडल स्टील का सरिया जदीद तरीन क्वालिटी एश्योरेंस लैब से पास होता है, जहाँ पर इसकी मजबूती और मयार को परखा जाता है और यूँ हमें बेहतरीन क्वालिटी दी जाती है. सिर्फ दावा नहीं किया जाता. अरे यार, मैं तो समझा कि तेरा ये दिमाग सिर्फ शतरंज में ही चलता है. मॉडल स्टील, मॉडल ऑफ स्ट्रेंथ.